वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बातें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ सैलरी की। ऑल दो आई अंडरस्टैंड सैलरी इज क्वाइट अ बिग टॉपिक, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, बट देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसमें से कुछ बातें आज करेंगे। सो फर्स्ट इज रिगार्डिंग हाउस रेंट अलाउंस। इनफैक्ट इट्स इन वीडियो से आपका रिविजन पर्पज के लिए बहुत काम आएंगी, बहुत जल्दी जल्दी आप अपने चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज अबाउट हाउस रेंट अलाउंस। अगर हाउस रेंट अलाउंस आपसे पूछा जाता है इन द क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि असेसी कौन सी स्कीम फॉलो कर रहा है, वेदर दिस पर्सन इज फॉलोइंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बिकॉज इन केस द असेसी इज फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दैट इज 115 VAC, तो HRA उस केस में फुली टैक्सेबल होता है, आप कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे उस केस में। दिस इज वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो एग्जम्पशन देने लगते हैं, बट प्लीज आप लोग ये गलती मत करिएगा। इन केस द असेसी इज फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, HRA इज फुली टैक्सेबल, ठीक है, HRA को पूरी तरीके से टैक्सेबल करिएगा। हाउएवर अगर क्वेश्चन ये मेंशन करता है कि असेसी ऑप्ट आउट कर गया है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इन केस ऑफ ऑप्ट आउट यानी कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में HRA फिर फुली टैक्सेबल नहीं होता, वो उसमें से कुछ लिमिट एग्जेम्प्ट हो जाती है, विच इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीन चीजें होती हैं एंड यू अंडरस्टैंड, आपको प्रोविजन याद भी आ रहे होंगे, उसमें से लीस्ट को एग्जेम्प्ट करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इनकेस द असेसी इज फॉलोइंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जितना भी HRA मिला, HRA रिसीव्ड जितना मिला, उसको आप इनर कॉलम में लिख लीजिए, इसमें से लेस कीजिए एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जेम्प्ट कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वी हैव थ्री थिंग्स, उसमें से जो भी लीस्ट होगा उसको एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट इज एक्चुअल HRA, एक्चुअल HRA। सेकेंड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, आपको ये बातें याद आ रही होंगी ना। थर्ड बताइए क्या होता है, 40% ऑफ सैलरी, और इन केस द रेंट इज बीइंग पेड इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों जगह में से किसी एक जगह पर अगर रेंट जा रहा है तो फिर 40% नहीं लेते, उस केस में हम 50% ले लेते हैं। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा उसको प्लीज आप एग्जेम्प्ट करिएगा और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेट से फॉर एग्जाम्पल हमें HRA रिसीव हो जाता है 120,000 रुपीज, ये तीनों हमने निकाले और इसमें से जो लीस्ट आया, फॉर एग्जाम्पल वो 120,000 आया या फिर नहीं 120 नहीं ले रहा, हमें HRA मिला 120,000, इसमें से जो लीस्ट आया फॉर एग्जाम्पल वो 70,000 रुपीज आया, तो 70,000 को एग्जेम्प्ट करिएगा, बाकी का 50,000 इज योर टैक्सेबल पर यूजेट इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता फिर तो मैं 120 पूरा ही टैक्सेबल करता, वहां पर तो एग्जम्पशन की बातें ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शनल में ही आप इन तीनों में से लीस्ट निकालेंगे, ओके। एक्चुअल HRA आराम से आपके पास आ जाएगा, रेंट पेड क्वेश्चन में गिवन होगा। इन केस अगर रेंट पेड जीरो है तो आपको पता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो ऑब्वियसली जीरो आने वाला है, उस केस में तो पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी जीरो। आप ऐसा नहीं बोलेंगे जीरो माइनस 10% ऑफ द सैलरी नेगेटिव आ गया, नो, एग्जम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, इट कैन बी जीरो, तो उस केस में तो ये निल आ जाएगा, दैट यू अंडरस्टैंड। अच्छा, सैलरी की डेफिनेशन में आपको क्या क्या लेना है, देर आर थ्री कंपोनेंट्स जो आपको सैलरी की डेफिनेशन में लेने होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में तीनों ही कंपोनेंट्स मिल जाए, अगर वो दो कंपोनेंट्स भी हैं, एक कंपोनेंट भी है, तो उसको आप ले लीजिएगा, बट मैक्सिमम देर कुड बी ओनली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, जिसको हम RBS सैलरी भी बोलते हैं। हम लोग अपने रेगुलर लेक्चर में इसको RBS नाम देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। क्या क्या लेंगे इस चीज में, एक तो आप बेसिक सैलरी लेंगे प्लस DA, DA को तभी लेना है इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट नहीं बनता है फिर हमें नहीं लेना होता है। इनकेस हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें ये लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हाउ मच परसेंटेज फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उस केस में प्लीज मत लीजिएगा DA को, ठीक है, तभी आपको लेना है इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, स्पेसिफिकली मेंशन होगा क्वेश्चन में। प्लस कभी कभी ये थर्ड कंपोनेंट मिसिंग होता है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बट अगर आपके पास थर्ड कंपोनेंट भी है क्वेश्चन में तो उसको ले लीजिएगा। फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, याद आ गई ये बातें, तो कमीशन फिक्स्ड अमाउंट में लेनी है, परसेंटेज वाला, दैट टू ऑन टर्नओवर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में फिक्स्ड परसेंटेज है, 2% कमीशन ऑन टर्नओवर, 5% कमीशन ऑन टर्नओवर, ऐसी बातें लिखी हुई है, फिर आप उसको अपनी सैलरी का पार्ट बनाइएगा और यहाँ पर जहाँ पर आपको निकालना है
10% ऑफ सच सैलरी या 40 या 50% ऑफ सैलरी, आप ये तीनों कंपोनेंट्स ले लेंगे। जनरली देखा गया कि क्वेश्चन में ये मिसिंग होता है तो आप ये दोनों ले लीजिए। अगर डीए भी मिसिंग है मतलब फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो फिर बेसिक सैलरी ही इस पर्पस के लिए सैलरी हो जाएगी, वो तो आप कर सकते हैं आराम से। क्लियर हो गया। सो दिस वॉज अबाउट एचआरए। डिफॉल्ट रिजीम में फुली टैक्सेबल किया जाएगा, ऑप्शनल रिजीम में कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आती है आपके पास आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सबसे पहले ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या है। असेसी के घर से लेकर ऑफिस तक आने के लिए जो उसको अलाउंस दिया जाता है, होम टू ऑफिस एंड बैक, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। दोनों ही रिजीम में सेम कंसेप्ट होगा, वेदर द असेसी इज फॉलोइंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम या फिर असेसी इज फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दोनों ही रिजीम में सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। यहाँ पर सिंपल बातें ये देखने होता है कि एम्प्लॉई इनकेस अगर एम्प्लॉई किसी भी फिजिकली डिसेबिलिटी से अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, फिजिकली डिसेबल नहीं है एम्प्लॉई, ब्लाइंड डेफ या डंप नहीं है, उस केस में फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। राइट, जितना भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वेदर यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ द रिजीम, दोनों ही रिजीम में सेम कंसेप्ट फॉलो होगा, उस केस में फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। बट इनकेस द असेसी इज फिजिकली डिसेबल, अगर वो फिजिकली डिसेबल है इंक्लूडिंग ब्लाइंड डेफ और डंप, ठीक है, उस केस में 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राइट, जितना भी अमाउंट मिला उसमें से माइनस कीजिएगा, मैक्सिमम 3200 पर मंथ, रिमेनिंग अमाउंट को टैक्सेबल कीजिएगा। कुछ नहीं दिया हुआ तो इनटू 12 कर दीजिएगा, मानते हुए कि पूरे साल मिला है आपको। अगर आपको दिया हुआ है पर्टिकुलरली 10 महीने मिला, 8 महीने मिला, 6 महीने मिला, तो अकॉर्डिंगली करिएगा। राइट, तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4000 पर मंथ मिलता है, द पर्सन हु इज फिजिकली डिसेबल इंक्लूडिंग ब्लाइंड डेफ और डंप, 4000 मिला, तो आप इसमें से 3200 माइनस कर दीजिएगा, बाकी का 800 टैक्सेबल करेंगे पर मंथ, 800 into let's say 12 months हम ले रहे हैं। राइट, बट अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला ही फिजिकली डिसेबल असेसी को 2000 rupees, तो आप मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते थे, 3200 मैक्सिमम था, बट यहाँ पर तो अमाउंट ही रिसीव हुआ 2000, तो 2000 आप माइनस कीजिएगा, उस केस में परक्विजिट वैल्यू जीरो आ जाएगी, दैट इज नल, टैक्स फ्री हो जाएगा फिर उस केस में। ठीक है, सो दिस वॉज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दोनों ही रिजीम में सेम फॉलो करना है। द पर्सन हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिसेबिलिटी उनके लिए फुली टैक्सेबल, बट द पर्सन हु इज सफरिंग विद डिसेबिलिटी उनके लिए 3200 तक एग्जेम्प्ट कर देंगे। एजुकेशन फैसिलिटी, अगेन एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, सो इट्स अ परक्विजिट। अब डिपेंड करता है ये एजुकेशन मिल किसको रही है, एम्प्लॉयर ये एजुकेशन किसको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है तो इट उस केस में ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, परक्विजिट वैल्यू नल। राइट, कुछ टैक्स मत लगाइएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चाहे ये एजुकेशन जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई इसकी वैल्यू 100 rupees है, 1000 rupees है, 10000 rupees है, 10 lakh rupees है, कुछ भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्ट करिएगा। सॉरी मैं बोल रहा था फुली टैक्सेबल, नो, इट शुड बी फुली एग्जेम्प्ट, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन प्रोवाइड करती है तो उसमें हम लोग ये मानते हैं कि कंपनी का खुद का फायदा है, कंपनी इज गेटिंग बेनिफिटेड, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉय ज़्यादा स्किलफुल हो रहा है, और वो इंटर्न कंपनी को भी फायदा, विद नो डाउट कि एम्प्लॉय को भी फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली, बट हम मानेंगे कि कंपनी को फायदा है, तो एम्प्लॉय के ऊपर जितना भी एक्सपेंस किया जाए दैट इज फुली एग्जेम्प्ट, इसको टैक्सेबल मत कीजिएगा। बट हाँ, अगर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय के अलावा किसी और को, लेट्स से एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को इंक्लूडिंग हिज चिल्ड्रन या फिर उसके स्पाउस को, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, किसी को भी अदर देन एम्प्लॉय, तो अगर दूसरे लोगों को प्रोवाइड की जाती है उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए परक्विजिट्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए ना कुछ चीज़ें याद ज़्यादा मत करिएगा, सिंपल सोचिए कि जितना बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को, आप अपने लॉजिक लगाइए, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, सिर्फ देखिए कि एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट होता है। अब इमेजिन कीजिए कि एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय के बच्चों की फीस खुद पे करता है, लेट्स से बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं उसकी फीस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, लेट्स से उसका पूरे साल की फीस 50,000 rupees आती है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, इसमें से एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया जा रहा है, मान लेते हैं एम्प्लॉय से 10,000 rupees रिकवर किया जा रहा है, तो कितना फायदा हो गया 40,000 rupees का, तो दिस वुड बी द बेनिफिट। तो सिंपल आप देखिए कि आपको बेनिफिट कितना हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगा, जितना भी एम्प्लॉयर उनके ऊपर एक्सपेंसेस कर रहा है अदर देन एम्प्लॉय के ऊपर, तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा जो भी हम बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, जितना भी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का मतलब एम्प्लॉयर कितना खर्चा कर रहा है उस एजुकेशन के ऊपर, माइनस अगर अमाउंट कुछ रिकवर किया जा रहा है तो उसको माइनस कर दीजिएगा,
एनी अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट रिकवर्ड समझ गए, जितना भी इंप्लॉय से रिकवर्ड किया जा रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा, करेक्ट। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट, एम्प्लॉय के स्पाउस, एम्प्लॉय के सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। लास्ट बात, एक बात ध्यान रखनी की आपको, अगर खुद ये जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है या फिर ये स्कूल है, दिस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ये एम्प्लॉयर ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, एम्प्लॉयर ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर शायद हो सकता है निल आए। रीजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास चल रही है जहां पर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब एक स्टूडेंट अगर वहां पर आके बैठ जाता है, ठीक है, सिर्फ लेक्चर सुन रहा है, तो एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी ना, वो सिंपल आकर बैठ गया, करेक्ट। तो एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं सर कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर तो जीरो है, बट यहाँ पे जीरो नहीं लेना होता। अगर एम्प्लॉयर ओन इंस्टीट्यूशन है तो हम ये देखते हैं कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो सिमिलर लोकेलिटी में है वो कितना चार्ज करते हैं, तो फिर सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस ली जाती है, वो हम एक तरीके से डीम कॉस्ट ऑफ टू एम्प्लॉयर मान लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली एम्प्लॉयर की शायद कॉस्ट नहीं आई है, बट उस केस में भी हम कॉस्ट लेनी होती है यहाँ पर, तो हम सिमिलर इंस्टीट्यूशन विच इज सिचुएटेड इन सिमिलर लोकेलिटी उसकी वैल्यू ले लेते हैं माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड, ठीक है। अब इसमें एक बात का आपको और ध्यान देना है, ठीक है, ये कंसेप्ट, अब वो मैं आपको चिल्ड्रन वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ जो 1000 रुपीज पर मंथ पर लेना होता है, ठीक है, वो जो 1000 रुपीज पर मंथ तक वो जो एग्जेम्प्ट की बातें होती हैं उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले वो जो इंस्टीट्यूशन है दैट शुड बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, दूसरा ये जो फैसिलिटी मिले सिर्फ चिल्ड्रन को मिले। अगर देखिए अदर देन चाइल्ड को मिल रही है, जैसे स्पाउस को मिल गई फैसिलिटी, ब्रदर सिस्टर वगैरह को मिल गई, उनके लिए 1000 की बातें नहीं आती, 1000 वाली बातें आती हैं सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, वो भी कब, जब एम्प्लॉयर ओन इंस्टीट्यूशन है। देखिए अगर इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय एनी अदर है तो फिर 1000 वाला कंसेप्ट आता ही नहीं है। 1000 वाला कंसेप्ट कहता क्या है, प्रोवाइडेड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो कहते हैं कि अगर चिल्ड्रन को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो हम वैल्यू ऑफ परक्यूसिट निकालते हैं सिमिलर इंस्टीट्यूशन माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड, ठीक है। माइनस करने के बाद अगर ये वैल्यू अप टू रुपीज 1000 पर मंथ आ जाए चिल्ड्रन की, पर चाइल्ड की 1000 पर मंथ आ जाए, तो फिर इसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1000 एग्जेम्प्ट हम तभी करेंगे इफ बोथ दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयर ओन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए प्लस वो फैसिलिटी हमने चिल्ड्रन को दी है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जब कभी भी चिल्ड्रन की बातें आती हैं इनकम टैक्स में, तो वी इंक्लूड्स एडॉप्टेड चाइल्ड ऑल्सो और स्टेप चाइल्ड ऑल्सो, करेक्ट, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आते, ओके। तो उस केस में आप दिस माइनस दिस करेंगे, जितना भी सिविल इंस्टीट्यूट की वैल्यू है माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड, और अगर ये 1000 से ज्यादा आ जाता है, मान लेते हैं 1100 पर मंथ आ जाता है पर चाइल्ड, तो उस केस में तो फुली टैक्सेबल करिएगा। कैसा करेंगे, माइनस 1000 करके 100 रुपीज टैक्सेबल, नहीं, उस केस में हम फुली 1100 टैक्सेबल कर देंगे। बट इन केस अगर ये वैल्यू 800 आ जाए, 900 आ जाए या फिर 1000 तक भी आ जाए, तो इसको हम फुली एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अच्छा, कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी के तीन बच्चे और तीनों की वैल्यू जो आई वो 1000 से ज्यादा नहीं आई, तो उस केस में कितना एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, तीनों बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए, यानी कि यहां पर कोई लिमिट नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जो हम लिमिट देखते हैं अप टू टू चिल्ड्रन, ऐसी यहां पर फैसिलिटी में कोई, एजुकेशन फैसिलिटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, याद रहेगा बात, एजुकेशन फैसिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट परक्विजिट, ओके। नेक्स्ट आता है, अगेन काफी बार पूछा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, तो बहुत सिंपल है, देखिए बिल्कुल वही लॉजिक लगाइए कि हमें कितना फायदा हो रहा है। तो अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी अपने शेयर्स हमें दे देती है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय से या तो वो फ्री में दिए जाते हैं या फिर बहुत कम अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो कितना बेनिफिट हुआ, जितनी भी वो शेयर्स मिले उसकी वैल्यू देखनी होती है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, जितने हमें शेयर्स मिले हैं माइनस एनी अमाउंट रिकवर, जो भी अमाउंट आपसे रिकवरी अगर की जा रही है, एनी रिकवर्ड अमाउंट, वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है, एनी रिकवर्ड अमाउंट माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है आपसे, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, या तो फेयर मार्केट वैल्यू देगा तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट रिकवर्ड, कभी कभी क्वेश्चन ना डिफरेंट डेट्स देता है, वो कहता है कि एम्प्लॉयर ने आपको इस दिन ऑफर किया, दूसरे दिन फॉर एग्जाम्पल किसी और डेट पर अलॉट हुए, या फिर आपने इस दिन एक्सरसाइज किया था, तो हमें कौन सी डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ कौन सी वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, जिस दिन हमने ये वैल्यू, इस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जिस दिन हमने ये कहा था कि हम ये शेयर्स लेना चाहते हैं
ऑन द डेट ऑन विच यू आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन. तो जिस दिन ऑफर किया उस दिन की वैल्यू, जिस दिन अलॉट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया. सो हेयर यू हैव टू टेक द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, उस दिन की आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है. ठीक है, जनरली ये आता है. अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका एक लेवल और डिफिकल्ट आ गया, तो वो क्या आपसे पूछेगा, वो ऐसा बोल सकता है कि मुझे बताइए कि ये शेयर्स ना, लेट्स से ये शेयर्स लिस्टेड थे. चलो पहले मैं अनलिस्टेड की बातें कर लेता हूँ, वो इजी है तो ये पूरा ही ईजी, बट अनलिस्टेड कुछ ज़्यादा ईजी है. लेट्स से अब ये डिपेंड करता है, अब एक लेवल और डिफिकल्ट आएगा अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा आपसे लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में. तो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में मतलब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज दीज आर अनलिस्टेड शेयर्स. तो उस केस में जो मर्चेंट बैंकर इनकी वैल्यू निकालते हैं, हमें वो वैल्यू लेनी होती है. तो सर ये हमें कैसे वैल्यू पता चलेगी, तो ये बहुत ईजी है, आपको क्वेश्चन खुद ही प्रोवाइड करेगा कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है अनलिस्टेड शेयर की या मर्चेंट बैंकर ने ये वैल्यू निकाली है. तो उस केस में तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए मर्चेंट बैंकर की वैल्यू लीजिएगा. अगर इनकेस वो शेयर्स लिस्टेड है, ज्यादातर वो लिस्टेड ही होता है, ठीक है, इनकेस अगर वो शेयर्स लिस्टेड है इसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू हमें स्टॉक एक्सचेंज से मिल सकती है. तो जिस दिन हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन की वैल्यू हमें लेनी होती है. करेक्ट. अब एक लेवल और अगर डिफिकल्ट आ गया, वो बोलेगा कि हम आपको उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू दे रहे हैं और एक्चुअली वो हमें दो वैल्यू दे देते हैं कि जिस दिन शेयर मार्केट इस दिन डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन जो ओपनिंग प्राइस था शेयर का, जिस दिन वो शेयर किसी भी दिन जब ट्रेड होते हैं शेयर्स, तो हमारे पास आपको पता है कि ओपनिंग वैल्यू भी होती है और क्लोजिंग वैल्यू भी होती है, क्लोजिंग प्राइस भी दिया हुआ है. तो उस केस में आपको क्या लेना है, इन दोनों का एवरेज. तो उन दोनों का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज ले लेना है अगर ये लिस्टेड शेयर्स थे. करेक्ट. अब एक लेवल और आगे डिफिकल्ट पर जाता है क्वेश्चन, वो ये कहते हैं कि इस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी, इस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी, जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया ऑप्शन उस दिन या तो स्टॉक एक्सचेंज बंद थी वो, या फिर उस दिन कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी उस शेयर में, तो हमारे पास ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस नहीं होगा. फिर लास्ट डे, जो भी लास्ट डे था जब वो ट्रेडिंग हुई थी, आपको वो ले लेना है. लेट से इस दिन जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो सैटरडे था, अब सैटरडे को मार्केट बंद रहती है, तो आपको क्या लेना होगा, फिर फ्राइडे की वैल्यू लेनी होगी, जो भी लास्ट डे फ्राइडे थर्सडे जब कभी भी ट्रेडिंग हुई थी उसकी आपकी वैल्यू लेनी होती है. बट अगर आप किसी और दिन की वैल्यू ले रहे हो, लेट से आपने सैटरडे को ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो सैटरडे को स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, तो आप फ्राइडे की वैल्यू ले रहे हो, तो अगर आप किसी और दिन की वैल्यू ले रहे हो तो प्लीज ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज मत करना उस केस में. फिर उसका फिर आप क्लोजिंग वैल्यू ही देखते हैं, फिर आप ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज मत करिएगा. तो यहाँ पर गलती मत, इतना डिटेल में शायद एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, बट स्टिल दिस इज इन योर सिलेबस, आपको पता होना चाहिए. इनकेस अगर पूछ ले तो आप गलती नहीं करके आएंगे. तो अगर आप उसी दिन की वैल्यू आपको पता है तो ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज, बट अगर उस दिन की वैल्यू नहीं पता, आप किसी और दिन की वैल्यू ले रहे हैं, तो उसका क्लोजिंग प्राइस. ठीक है, लास्ट बात और बता देता हूँ इसमें. इनकेस अगर शेयर्स अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड था, मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, तो आपको कौन से स्टॉक एक्सचेंज का, क्या सभी स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस लेना होता है? नहीं, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पर हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा थी, आपको वो स्टॉक एक्सचेंज को पिक करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स. इतना मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं, बट एटलीस्ट हमें यह बता होना चाहिए कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन लेनी होती है माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेल ऑफ असेट्स टू द एम्प्लॉय. अगेन एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आती है हमारे पास एग्जाम्स में. अगर कोई भी असेट हम एम्प्लॉय को दे देते हैं कि भाई आप इसको परमानेंट रख लीजिए, आप ही का हो गया ये असेट, हो सकता है कि हमने फ्री में दे दिया, हो सकता है हमने इसको कुछ पैसे चार्ज करें एम्प्लॉय से, तो क्या ये बेनिफिट होता है? आंसर इज यस, हमें एक असेट मिल गया बहुत कम वैल्यू पर, तो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एम्प्लॉयर ने एक कंप्यूटर खरीदा था. लेट्स से एम्प्लॉयर हैज परचेज अ कंप्यूटर फॉर रुपीज 1 लाख. इन्होंने 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा था जो पिछले 2-3 साल से ये लोग यूज कर रहे थे. ठीक है, लेट से 2 years 11 months से इसको ये यूज कर रहे थे. उसके बाद हमने ये एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको 3,000 rupees में परचेज कर सकते हो. ठीक है, तो आप मुझे बिल्कुल लॉजिकली बताइए, छोड़िए आपने क्या याद किया था, बिल्कुल लॉजिकली मुझे बताइए कि क्या हमें 1 lakh rupees का कंप्यूटर मिल गया फॉर rupees 3,000, यानी कि 1 lakh minus 3,000, क्या हमें 97,000 rupees का फायदा हो गया? आंसर इज नो. वाई नॉट? बिकॉज ये यूज कंप्यूटर है. सर आपने ये बताया कि ये 2 साल 11 महीने से ये यूज हो रहा था कंप्यूटर, तो सर ये तो पुराना कंप्यूटर था, तो इसका मतलब हमें क्या लेनी चाहिए, क्या 1 lakh minus 3,000? नहीं सर, हमें इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेनी चाहिए बिकॉज इट्स अ यूज्ड कंप्यूटर, इट्स एन ओल्ड कंप्यूटर, राइट? मैंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया, मैं कोई भी असेट ले सकता था यहाँ पर. तो सबसे पहले सबके लिए कॉमन बात है
कि आपका जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बनेगा, जो बेनिफिट बनेगा आपको, बेनिफिट इज इक्वल टू या परक्यूजिट इज इक्वल टू जो भी इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, जो भी इस एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी उसमें से माइनस कीजिएगा अगर आपसे कोई रिकवरी की जा रही है, एनी अमाउंट रिकवर्ड इफ एनी, ठीक है। तो लेट से आपसे 3000 रिकवर किया जाए तो माइनस 3000 करिएगा। अब इसकी आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आया कि इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि ये कंप्यूटर 2 साल 11 मंथ से यूज हो रहा था, तो पार्ट ऑफ द ईयर नहीं लेना आपको, जितने कंप्लीटेड ईयर्स हो चुके हैं आपको सिर्फ उतने ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालना होता है, राइट। पार्ट ऑफ द ईयर को करिएगा इग्नोर, चाहे वो 6 महीने से ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 महीने हो 11 महीने हो इग्नोर करिएगा, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स को ही देखिएगा आप अपने। तो आपको 2 साल का इसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट वुड बी द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अब क्वेश्चन ये आया कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या लगाएंगे सर, क्या वही वाले पीजीबीपी के रेट्स लगा दें? नहीं, यहाँ पर आपके सैलरी के लिए स्पेशल रेट्स दिए गए हैं, तो यहाँ के रेट थोड़े से अलग होते हैं वो पीजीबीपी के रेट से। जैसे कंप्यूटर्स के वगैरह के ऊपर हम पीजीबीपी में रेट पढ़ते हैं 40%, बट यहाँ पर जो रेट मिला है वो 50% होगा हमारा। तो इस फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दिस परक्यूसेट आपको क्या डेप्रिसिएशन के रेट लेने हैं। देखिए अगर कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह की बातें होती हैं तो 50% का रेट लगेगा, वो भी WDV मेथड होगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है। याद रखिएगा कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के लिए 50% WDV मेथड, कार्स के लिए अगर कार आपको दे दी गई तो 20% डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा WDV मेथड। ये रेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये रेट्स आपको याद होने चाहिए। और अदर असेट्स के लिए आपके पास रेट आएगा 10% का, और ये आपका SLM मेथड से होगा, ठीक है, ये आपका SLM मेथड से होगा। कंप्यूटर्स लैपटॉप कार के लिए WDV मेथड, अदर असेट्स के लिए 10% SLM मेथड। क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने ये बोला कंप्यूटर्स के लिए लेट से 2 साल 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स को तो इग्नोर करिएगा, 2 साल का रेट निकालिएगा आप इसमें। तो 1 लाख के ऊपर हमें 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है WDV मेथड से। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 50% 50,000 रुपीज, राइट। 1 लाख माइनस 50,000 50,000 वैल्यू आ गई। अब सेकेंड ईयर के लिए फिर इसका 50, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसका 50% आ गया 25,000 रुपीज। कितनी वैल्यू आ गई डेप्रिसिएट वैल्यू 2 साल की के बाद 25,000 रुपीज़। तो 25,000 डेप्रिशिएट वैल्यू आ गई। अमाउंट रिकवर्ड लेट से आपसे 3,000 रुपीज़ किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हॉच पॉच हो गया, पढ़ाई बिलीव समझ में आ गया होगा आपको। 25 माइनस 3 कितना, 22,000 रुपीज़ आपकी परक्यूजिट वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर कोई बेनिफिट आ रहा है तो उसको आप परक्यूजिट वैल्यू ले लीजिएगा। समझ में आ गई ये बातें? अच्छा, आपके दिमाग में कहीं वो तो नहीं आ रहा सर कंप्यूटर्स तो फ्री होता है सर, उसको तो हमने परक्यूजिट फ्री सुना था, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स अगर प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल सही, आपने सही सुना हुआ है, बट एक्चुअली मैं उस परक्यूजिट की बातें नहीं कर रहा हूँ। वो क्या होता है, वो टेम्परेरी यूज के लिए दिया गया, वो दैट इज यूज ऑफ असेट। जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप इंप्लॉय के घर में हमने उसको यूज करने के लिए दिया कि आप इसको यूज कर सकते हैं, और जब आप यहाँ से छोड़कर जाएंगे इस कंपनी से तो आप वापस कर देंगे, तो दैट इज यूज ऑफ असेट, राइट। वो यूज ऑफ असेट कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। बट मैं यहाँ पर बातें कर रहा था कि परमानेंटली आपने ट्रांसफर कर दिया, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग योर। अच्छा, डेप्रिसिएशन निकालना कैसे, परचेज डेट से हमें कैलकुलेट करने अपना पीरियड, या पुट टू यूज डेट से? पुट टू यूज डेट से, वो तो आप हमेशा याद रखेंगे। तो सिंपल बात है, डेप्रिसिएशन तभी से लगना शुरू होता है जब से वो असेट यूज हुआ, करेक्ट। सो दिस वॉज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें और बताएं कि अगर कुछ और कंसेप्ट्स भी आपको डिस्कस करने हैं सैलरी के लिए, किसी और चैप्टर के लिए, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। आप लोग काफ़ी अच्छे से वीडियोस वगैरह सारे लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, बट आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट ऑन दीज वीडियोज, बिकॉज इट एक्चुअली मोटिवेट्स यू। मुझे पता चलता है कि आपको ये सारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ भी आपका फीडबैक है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, यू कैन प्लीज़ गिव दिस बाय वे ऑफ कमेंट, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।